सड़कों पर सुरक्षित यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने अवैध स्टैंड हटाने, पार्किंग की व्यवस्था कराने और मार्ग अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम अधिकारियों को दे दिया था। इससे पहले अफसरों की नींद नहीं टूटी थी, मगर आदेश प्राप्त होते ही नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारियों की मीटिंग हुई, प्लानिंग तैयार की गई और बुलडोजर को बाहर निकाल लिया गया। सुबह मंडी समिति, गोवर्धन और छटीकरा चौराहे पर ही नगर निगम की टीम पहुंच गई। टीम ने घोषणा की कि 3 बजे तक सड़क पर जिन लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है वह खुद ही अतिक्रमण हटा ले। 3 बजे के बाद पुलिस को लेकर नगर निगम और राजस्व विभाग की अलग अलग टीमें तीनों चौराहे पर पहुंच गई। बुलडोजर को देखते ही अतिक्रमणकारियों में खलबली मच गई। कच्चे पक्के निर्माण, 3 टप्पर और काट के खोखा में दुकान चलाने वालों ने अधिकारियों के सामने गुजारिश की, रोजी रोटी का हवाला भी दिया। किसी को राहत देने के अधिकारियों के सामने कोई सवाल नहीं था। बुलडोजर चला तो अतिक्रमण को साफ करने के बाद ही रुका। दुकानों के आगे चबूतरा तोड़ दिए गए, 3 टप्पर को नीचे गिरा दिया गया, काट के खोखा को उठाकर नगर निगम के वाहनों पर लाद दिए गए, होल्डिंग्स उखाड़ कर ट्रालियों पर लाद दिए गए। कुछ लोगों ने इस कार्यवाही का विरोध भी किया, लेकिन पुलिस की सख्ती के आगे उनकी हिम्मत नहीं हुई। शाम तक चले अभियान में चौराहे साफ हो गए। 3 चौराहों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य किया गया, लेकिन कुछ स्थान अभी भी शेष रह गए हैं। इन चौराहों पर अभी जो अतिक्रमण आज बाकी रह गया है उसको रविवार को हटाया जाएगा। इसके लिए पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मिलकर कार्यवाही करेगी, नगर निगम की टीम भी साथ रहेगी। इससे चौराहों पर लगने वाला जाम भी नहीं लगेगा और हादसों का खतरा कम हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।